मेरा बैग है जो जिसे मैं एवरीडे लेके जाती हूँ, और मैं दिखाने वाली हूँ कि मैं अपने बैग। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक वीडियो शूट करने वाली हूँ जिसका मैं बहुत दिन से मैं सोची, दिन इन द सेंस लाइक मंथ हो गया, इट्स अबाउट मोर देन 6 मंथ। मैं पता नहीं कुछ सोचती हूँ वीडियो बनाने का, तो फिर वो मेरा थोड़ा लॉन्ग टाइम हो जाता है कि ये बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। इसके लिए प्रिपेयर होना पड़ता है, क्योंकि आप अगर कुछ अपना पर्सनल या अपने से जुड़े अगर कुछ चीज़ आप शेयर करते हो, सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट कि मैं ये शेयर करने वाली हूँ। तो वो था, मैं बहुत वीडियोस देखती थी कि व्हाट्स इन माय बैग, बहुत की मैंने वीडियोस देखे हैं एंड आई लव टू वॉच दैट कि यू नो वो लोग क्या शेयर करते हैं अपने मतलब बैग में क्या रहता है, जो भी हमारा जो काम का रहता है। सो आई थॉट कि मैं भी ये एक वीडियो शूट करूं और ये शेयर करूं आप लोग के साथ। ये मेरा बैग है जो जिसे मैं एवरीडे लेके जाती हूँ, और मैं दिखाने वाली हूँ कि मैं अपने बैग में क्या कैरी करती हूँ। तो मेरा एक्चुअली ये मैं बहुत दिन से कैरी कर रही हूँ, तो इसलिए मैं अपना अभी बैग चेंज करने वाली हूँ। मैं आज सोची आज मेरा ऑफ है, तो थोड़ा क्योंकि ये बैग है मेरा, इसको मैंने बहुत दिन पहले लिया था, ये ऑल्टो का बैग है, तो मुझे बहुत मतलब शौक से मैंने लिया था कि ऐसा बैग मुझे ट्रैवल बैग टाइप का कुछ कैरी करना है। मैं काफ़ी दिन से इसको यूज़ नहीं की और ये मतलब रखा रखा होता है, ख़राब हो जाते हैं, तो मैं सोची ठीक है अभी थोड़ा सा चेंज करके यू नो एवरीडे यूज़ कर सकते हैं। सो मैं आप लोग को बता रही हूँ, मैं अपना बैग चेंज करूँगी आज। ये काफ़ी 2-3 महीने से, मैं 2-3 महीने से ज़्यादा हो गया मैं इसको कैरी कर रही हूँ। तो मेरे बैग में क्या क्या है, मैं क्या कैरी करती हूँ, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो इसमें जो सबसे पहला है, जो अभी भी हमें यूज़ करना पड़ता है बिकॉज ऑफ आवर सेफ्टी, तो ये है मास्क, जो हमेशा हमें यूज़ करना पड़ता है हमारे सेफ्टी के लिए। ये ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़रूरी है। तो ये हुआ मास्क। उसके बाद जो है सनस्क्रीन, ये सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी मैं भूल जाती हूँ, मतलब बहुत जल्दी में मैं रहती हूँ, मैं बहुत एक्सप्रेस हूँ, मैं टाइम पे मेरा नहीं होता है कुछ भी काम, तो मैं सुबह उठती हूँ जल्दी जल्दी, मैं कभी भूल जाती हूँ, तो मैं ये सलून जाके फिर मैं यूज़ करती हूँ। तो ये हुआ सनस्क्रीन। उसके बाद है परफ्यूम। तो ये परफ्यूम, ये फिलीपीन का परफ्यूम है और ये बहुत माइल्ड होता है। इसका 2-3 परफ्यूम आता है, इसका डिफरेंट 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 फ्लेवर के होते हैं, एंड ये बहुत ही यू नो ब्यूटीफुल स्मेल है, मुझे बहुत पसंद है, ये बहुत माइल्ड होते हैं, तो बहुत अच्छा स्मेल है ये, तो मैं ये बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ। परफ्यूम हो गया। उसके बाद हुआ फेस सीरम, ये मैं हमेशा कैरी करती हूँ, क्योंकि मैं इवनिंग के टाइम पे फेस वॉश करती हूँ तो फेस ड्राई फील होता है, तो मैं इसे यूज़ करने के बाद मेरा फेस थोड़ा मॉइस्चर रहता है, तो इसलिए मैं ये सीरम यूज़ करती हूँ। उसके बाद है हेयर सीरम, वो फेस सीरम था, ये हेयर सीरम है, क्योंकि मेरे अभी बालों पे मैंने कलर किया है, तो कभी कभी मुझे ड्राइनेस लगता है, ऐसे सॉफ्ट है बट वो दिखते हैं मुझे ऐसा, तो फिर मैं क्या करती हूँ, ऊपर से मैं ये सीरम लगा लेती हूँ, तो इसलिए मैं इसे कैरी करती हूँ। उसके बाद है ये कोम, कोम भी कैरी करना बहुत ज़रूरी होता है, तो मैं कोशिश करती हूँ, जब से मुझे वो थायराइड का प्रॉब्लम हुआ है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक ही कोम यूज़ करूँ, तो मैं ये कोम भी कैरी करती हूँ। और ये सनग्लास है मेरा, ये सनग्लास मैं कैरी करती हूँ, क्योंकि यहाँ का गर्मी बहुत अच्छा गर्मी है, तो इसके लिए सनग्लास यूज़ करना पड़ता है, नहीं तो फिर वो आईज ऐसा बंद होके जाना पड़ता है, बंद करके जाना पड़ता है बाहर, तो इसके इसलिए मैं ये भी, ये तो मस्ट है मेरे लिए, ये और मास्क। उसके बाद है मेरा रबर बैंड। रबर बैंड भी मैं हमेशा मेरे बैग में रहता है, कभी कभी मैं भूल जाती हूँ बट मैं हमेशा कैरी करती हूँ, क्योंकि क्लिप लगाने से कभी मेरा सर दुखता है, तो मैं रबर बैंड भी यूज़ करती हूँ इसलिए। उसके बाद है ये अंडर आर्म्स रोल ऑन, ये स्वेटिंग आपका कंट्रोल करता है एंड इवन फॉर द स्मेल, बट स्मेल का प्रॉब्लम नहीं होता मुझे, बट स्वेटिंग मुझे बहुत होता है, तो इसलिए मैं इसे यूज़ करती हूँ और ये बहुत अच्छा है। मैं इसे भी करीब 3-4 साल से यूज़ कर रही हूँ, तो ये बहुत अच्छा, निविया का मैं यूज़ करती हूँ, दूसरा मुझे सूट भी नहीं करता, तो ये मैं कैरी करती हूँ। उसके बाद ये है मेडिसिन, जो है कोल्ड का मेडिसिन, ये मैं कैरी करती हूँ, कभी कभी मुझे कोल्ड हो जाता है तो मैं कैरी करती हूँ। और ये है जैसा क्योंकि मुझे थायराइड है, इस वजह से डॉक्टर ने मुझे ये मेडिसिन ही प्रोवाइड किए कि मैं अगर मुझे फीवर हो या बॉडी पेन हो, क्योंकि जो मेरा प्रॉब्लम है उस वजह से मुझे ये होता है, जब बॉडी हार्मोन चेंज होता है तो बॉडी हार्मोन की वजह से मुझे ये लेना पड़ता है, तो कभी अगर मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो मैं थायराइड का मेडिसिन मुझे उस दिन नहीं लेना पड़ता है और मैं ये खा सकती हूँ, अगर मैं थायराइड का मेडिसिन ली हूँ तो मैं ये नहीं खा सकती दूसरा मेडिसिन, ऐसा मुझे मेरा डॉक्टर ने बताया, तो मैं ये कैरी करती हूँ कभी कभी मुझे ज़रूरत पड़ता है। उसके बाद है ये पैड, जो हर लड़की के लिए ज़रूरत पड़ता है,
कभी कभी मुझसे ज़्यादा किसी और को ज़रूरत पड़ती है, तो ये कैरी करना बहुत ज़रूरी होता है, तो मैं हमेशा कैरी करती हूँ उसको। उसके बाद है लिपस्टिक, एक लिपस्टिक तो मेरा बैग में रहता ही है और न्यूड कलर में हमेशा कैरी करती हूँ, और ये लिपस्टिक मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे दिया था, तो ये उसके लिए भी बहुत खास है, तो मैं हमेशा ये मेरे पास ही रखती हूँ, ये हमेशा मेरे पास मिलता ही है। कभी कभी कहीं जाओ तो जल्दी से ये लगा लेते हैं, और ये मेरे स्किन पे सूट करता है, ऐसा बहुत कोई मुझे बताया है कमेंट किए, इसलिए मैं ये हमेशा आई लव टू यूज़ दैट, थैंक यू फॉर दिस लिपस्टिक। एंड लास्ट जो है ये है वॉलेट, तो वॉलेट मेरा बैग में होता ही है क्योंकि पैसा वगैरह चेंज ये सब मुझे रखना पड़ता है, तो ये वॉलेट मैं कैरी करती हूँ। तो बस इतना ही था, मैं इससे ज़्यादा कुछ कैरी नहीं करती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है कैरी करने के लिए, और ज़रूरत नहीं पड़ता है क्योंकि मैं जहाँ जॉब करती हूँ वो बहुत यहाँ से नज़दीक है, तो ज़्यादा कुछ ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसलिए बस जो ज़रूरत का सामान होता है वही मैं कैरी करती हूँ, और बस इतना ही है और कुछ नहीं है। अभी मैं ये सारा सामान को मेरे इस वाले बैग में मैं ट्रांसफ़र करने वाली हूँ, क्योंकि ये रखा रखा ख़राब हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। मेरा हस्बैंड ने बहुत दिन पहले मुझे बोला था कि तुम क्यों नहीं बैग चेंज करती, क्यों एक ही बैग तुम यूज़ करती हो, तो फाइनली मैं चेंज कर रही हूँ बाबू बैग, तो लेट्स सी क्या बोलते हैं वो मेरा वीडियो देख के, पता नहीं और पता नहीं मैं और क्या क्या वीडियोज़ बनाऊँ क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं रहता है, और जो भी बनाती हूँ वो मैं शॉर्ट्स वीडियो सॉन्ग वगैरह में डालती हूँ, बट लॉन्ग वीडियो मेरा बन नहीं पाता है। मैं कोशिश करती हूँ छुट्टी का दिन मैं 2-3 वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैं हाफ ऑफ द सब्सक्राइबर जो 1000 होना चाहिए उसके बीच मिडिल में मैं पहुँच चुकी हूँ, तो मुझे लगता है अभी मुझे स्टॉप नहीं करना चाहिए, तो मैं इसे कंटिन्यू करने का कोशिश करूँगी।